राहतगढ़ बनैनी घाट का प्रसिद्ध शिवालय जहां पर एक बार अभिषेक करने से मिलता है 108 गुना फल। अनोखा शिवलिंग जिसकी जलहरी में बसते हैं 108 शिवलिंग। वैदिक मान्यताओं में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व माना गया है, पर इसके अलावा भी भगवान भोलेनाथ के ऐसे अनेकों अद्भुत प्रसिद्ध स्थान हैं और उन्हीं स्थानों में से एक है बुंदेलखंड के सागर जिले में स्थित एक अद्भुत शिवलिंग जिसकी जलहरी में बसते हैं 108 शिवलिंग। इसका मंदिर भी वास्तु शास्त्र का बेजोड़ नमूना है। यह है राहतगढ़ इलाके की जीवनदायिनी बीना नदी और इस नदी पर स्थित है वह अनोखा मंदिर जो वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों को अपने आप में परिभाषित करता है। इसी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है वह अनोखा अद्भुत पूरी तरह एक पत्थर को तराशकर बनाया गया शिवलिंग जिसकी जलहरी में स्थापित हैं 108 शिवलिंग। यहाँ पर आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराइए, आपको 108 गुना फल मिलना तय है। आप एक बार अभिषेक करेंगे तो आपका 108 बार अभिषेक हो जाएगा। आप एक बार जल चढ़ाएंगे तो आपका 108 बार जल चढ़ जाएगा। वहीं इस मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो यह मंदिर 8 हाथियों पर सवार है। इस तरह के मंदिर का वर्णन शिव पुराण के 16वें अध्याय में मिलता है। यह मंदिर पूरी तरह पत्थरों को तराशकर बनाया गया है। इसके गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर सर्प और मोर एक साथ बनाए गए हैं जो यह संदेश देते हैं कि इस दरबार में आने के बाद दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मंदिर परिसर के खम्भों पर ज्योतिष की 12 राशियों को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। मंदिर की गुम्बद के चारों तरफ मानव जीवन की चाल को प्रभावित करने वाले नवग्रह भी यहां स्थापित किए गए हैं। वहीं जानकार बताते हैं कि सूरज की पहली किरण भगवान शिव का अभिषेक करती है और इसकी विशेषता है कि जो सूरज नारायण की पहली किरण शिवलिंग के ऊपर पहुंचती है और इसके मंदिर में जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर श्री गणेश जी विराजमान है और गणेश जी के ऊपर एक मयूर है जिस जो सर्प को अपनी चोंच में पकड़े हुए है। और इस मंदिर की विशेषताएं, इसमें 9 ग्रह हैं, 10 दिशाएं हैं और 64 योगिनी भी हैं इसमें। यह और इसकी चमत्कार ये है कि एक लोटा जल चढ़ाने से 108 का फल मिलता है, एक फूल चढ़ाने से 108 फूल चढ़ाने का फल मिलता है, एक परिक्रमा करने से 108 का फल मिलता है, एक बार जो अभिषेक कर देता है उसको 108 का फल मिलता है। जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं तो पूरे 108 शिवलिंगों पर ही जाता हुआ नीचे जाता है वो जल। वहीं इस मंदिर के बारे में भोले के भक्त बताते हैं कि यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है। यह एक सिद्ध क्षेत्र है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपने भोलेनाथ के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। जब भी हम यहाँ पर मन विचलित या पर परेशान होते हैं तो इच्छा भोलेनाथ जी की शरण में आते हैं और यहाँ पर हमें मन को शांति मिलती है तथा मेरे प्रत्येक काम और यहाँ आने वाली समस्त भक्तों के काम पूर्णतः सत होते हैं और पूर्ण कामना होती है। बहुत प्राचीन है और ये संभवतः शायद अपने हिंदुस्तान में पहली ऐसी मूर्ति है जो आपको 108 शिवलिंग की पत्थर पर निर्मित है और ये बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ पर हर भक्त की मनोकामना होती है। शिव जी शिवरात्रि 300-400 साल पुराना है करीब। यहाँ पर जो शिवलिंग है उस पर 108 शिवलिंग मतलब कहीं नहीं है ये एशिया में, मतलब हमने नहीं सुना कहीं 108 शिवलिंग है किसी मंदिर में, एक ही पिंडी रह गई हर जगह। वैसे तो भारतवर्ष में भगवान शिव के अनेकों स्थान हैं जहां पर लोग अपनी श्रद्धा जताते हैं, पर इनकी तुलना में राहतगढ़ का यह शिव मंदिर प्रचार प्रसार के अभाव में उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सका है जितनी इसको मिलना चाहिए थी। जबकि लोग बताते हैं कि शिव का ऐसा रूप शायद ही और कहीं आपको देखने को मिले।